दीवाना जिसका जमाना, जिसकी आंखें पैमाना, उसको है अपना बनाना, जिसने लूटा मेरा दिल। मरहबा मरहबा कैफा हलूका मरहबा। वाओ डूड, यू सी लुक लाइक अ स्मॉल बेबी। ये आगा का पोस्टर है, दिखा दो इनको भी, ब्राइटनेस बढ़ाओ। ये बताओ यार, खतरों के खिलाड़ी कितना कठिन होता है? जितना अपने बारे में आपको जानने मिलेगा, अपने कैपेबिलिटीज के बारे में जानने मिलेगा, और जो चीजें करने मिलेंगी आपको वहां पर, वो आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। But the stunts are real, everything is real, there's everything. No scripting. अरे बाप रे, मैंने ना एक क्रोकोडाइल स्टंट किया था, जिसपे मेरे ही कोई जानने वाले थे, asked me वो असली क्रोकोडाइल थे क्या? And I was like, oh my god, मतलब क्या बात करते हो यार? VFX कर सकते हैं, इतना अच्छा। मतलब कैसा, क्या आपको लगता है वो रिमोट वाले क्रोकोडाइल रखे होंगे उन्होंने? Alright, Jannat, welcome to the Bombay Journey. क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं, आपके क्या हाल हैं? बढ़िया एकदम। So nice and happy to have you here. It is amazing what epic growth you've had on social media. Yeah, thank you. Singing कब से करने लग गए भाई? Singing ना actually मैंने अपना पहला गाना तो निकाला था जब मैं 18 टर्न हुई थी, मेरे 18th बर्थडे पर। हाँ। लेकिन उसके बाद बहुत लंबा गैप हो गया, 4 साल का पूरे। Okay. और इसके पहले एक गाना निकाला हमने जो मेरा नया सिंगल आने वाला है कैफ हलू का। उसके पहले बाबू सोना मोना निकाला था, बट उसके बाद से हमने सोचा कि अब हम इतना गैप वगैरह नहीं करेंगे, अब हम ऐसे फ्रीक्वेंटली गाने निकालेंगे। बट वो फ्रीक्वेंट को भी 3-4 महीने हो गए दूसरा निकालने में, बिकॉज़ देयर इज जस्ट सो मच हैपनिंग। आई एम श्योर यार, वी विल कम टू द वेरियस अदर थिंग्स अबाउट करंट जिंदगी, बट हम लोग ना जर्नी की बात करते हैं। तो मुंबई के कौन से एरिया आपके एरियाज होंगे, बताओगे आप? मुंबई के कौन से एरियाज? मलाड होगा जी, कांदिवली होगा, बिकॉज मेरा स्कूल वहाँ पे, मेरा स्कूल वहाँ पे। आई थिंक पूरा मलाड इज वेरी वेस्ट, या वेस्ट एक्चुअली, हर जगह का ही वेस्ट। हाँ हाँ, और कांदिवली क्योंकि चारकोप वाला एरिया, बिकॉज वहाँ पे मेरा स्कूल मैंने किया है। अब तो चारकोप का पूरा नक्शा बदल गया यार। अच्छा, देखियो आप भाई, वहाँ पर बढ़िया रोड बन गई है, एकदम मस्त सिक्लूडेड सा लगता है, अलग लगता है चारकोप। अच्छा, मैं बहुत टाइम से गई नहीं हूँ, चलें क्या आज? हाँ चारकोप, हाँ चलो, हाँ मिड चौकी की स्कूल देख लेते हैं, मेरा स्कूल देख लेते हैं, देख सकते हैं मिड चौकी। बट मैं भी मलाड करे, इसलिए मैं आपको इतना मलाड मलाड करे। मालवनी एक नंबर से पहले फायर ब्रिगेड के इधर। तो आपका बताओ, मलाड में? मलाड है, कांदिवली है, ठीक है, जुहू है, बिकॉज मैं पहले जुहू में रहती थी, मतलब आई वाज बोर्न। ओ, यू वर बोर्न इन जुहू? या आई वाज बोर्न इन जुहू, तो आई थिंक वहां से लेकर 5-6 साल की उम्र तक की मैं वहां रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जब हम शिफ्ट हुए तो हम मलाडी में शिफ्ट हुए, और उसके बाद भी जब हम शिफ्ट हुए तो अभी, बट अभी मैं गोरेगांव में, गोरेगांव में रहती हूँ अभी। अभी गोरेगांव में रहती हूँ? हाँ। जो एक जो आपका घर बन रहा है वो कौन सा? एक आपने अच्छा, जो डाला था इंस्टाग्राम पे, इट्स नॉट इन मुंबई। ओह, दैट्स नॉट इन मुंबई, इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स। या इट्स नॉट इन मुंबई, या दैट्स लाइक अ फुल बंगलो थिंग हैपनिंग, राइट? या कांग्रेचुलेशंस, या दैट्स माय ड्रीम हाउस, दैट्स अमेजिंग। व्हाट इज दिस लाइक overachiever business that you're doing in life? कैसा लगता है 21 साल की आपने घर खरीद लिया? नहीं मतलब just dreams coming true, all the blessings, hard work, काफी सारी चीजों का mixture है यार, मतलब और सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, मम्मी की है, डैडी की है, भाई की है, इतनी टीम है, जब हम काम करते हैं हमारा इतना ख्याल रखते हैं, सपोर्ट करते हैं हर प्रोजेक्ट को हिट सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो काफी लोगों की मेहनत है, बट आई एम ग्लैड इट्स All falling into place. I'm sure. ये बहुत बड़ा सत्य बताया आप लोगों ने, लोगों को मैं बता दूं, कोई भी आर्टिस्ट, परफॉर्मर, एंटरटेनर इज नेवर जस्ट देमसेल्व्स, वो पूरी दुनिया लगी होती है उनके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कौन है आपके मेन, मतलब लाइक योर फादर्स प्रोड्यूस दिस म्यूजिक पीस आल्सो, ब्रांड इज नेम, सो बट लाइक ही केम इन टू डू एक्टिंग इन मुंबई, राइट? सो माय डैड ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, ही वाज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, बट उन्होंने नहीं किया due to some reasons, और उसके बाद से he was very sure कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको करवाऊंगा, और उसके बाद मैं जैसे ही हुई, मैं 6 साल की हुई, डैडी मुझे ऑडिशंस पे लेके जाते थे, मैं गारमेंट मॉडलिंग करती थी। अरे वाह, और that's how it started. तो आप लोग बच्चों के कपड़े वाले फोटो? हाँ, वो आप जाते हो शोरूम में तो नहीं, गाँव जो अनारकली में बच्चों के फोटो लगे रहते हैं, वो करती थी। वाह यार, तो पहली बार सेट पे गई, याद है क्या वो दिन? याद है, क्या था मेरे को बताओ ना पूरा विवरण। So I remember, मड में शूट था, चांदी पार्ट, चलो एक शो था एंडी टीवी इमेजिन पर। हाँ। और मेरे कैरेक्टर का नाम था इमली, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पर,
और आपको कैरेक्टर नेम सुतरवाड़ी नाम है वहाँ पे सब, तो मतलब आपको पता ही कितना शूट्स कितने सेट्स हैं, तो वहाँ पर एक जगह है सुतरवाड़ी सुतारवाड़ी वहाँ पे मेरा शूट था। और टेक्निकली काफी सारी चीजों से फेमिलियर नहीं थी, तो होती है ना एक बेबी लाइट होती है शूट में, तो मैं सेट पर गई, पूरा दिन वेट करने के बाद शाम को मुझे बुलाया गया और मैं सेट पर गई अपना शॉट दे रही हूँ और वहां से कैमरा के पीछे किसी ने चिल्ला के बोला बेबी की मुंडी काट। सो बेबी की मुंडी काट से ही मेंट के लाइट का जो भी कटर वटर ले जाके वो करो, और आई गॉट स्केर्ड बिकॉज़ मेरे को लगा कि मैं अकेली बेबी बुलाते हैं ना सेट पे, हां तो मेरे को लगा मैं अकेली बेबी हूँ यहाँ पे कि भाई साहब मुंडी काट क्यों बोल रहे हैं और ऐसे क्या, बट देन दे अंडरस्टूड बिकॉज़ सबको पता था कि मेरा फर्स्ट है, तो दे लाइक नहीं नहीं बेटा वो ये लाइट है इसका नाम बेबी है, और सब कटर से उसको ऐसा कट करके लाइट करते तो वो उसको बोल रहा है आपको नहीं बोल रहा है। करेक्ट, सो दिस वाज माय फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। वाह वाह, ऑफ शूट। व्हाट अबाउट बांद्रा, एनी स्टोरीज यहां की? बांद्रा की कोई ऐसे खास स्टोरीज तो नहीं है, बट आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन मेरा दिल बहुत ज्यादा जुहू पर भी लगा हुआ है बिकॉज जुहू बीच पर मतलब मैंने अपने फर्स्ट स्टेप्स लिए थे और हमारा जो घर था वो जू से वॉकिंग डिस्टेंस पर था। अच्छा जी, हाँ ये कौन सा सिल्वर बीच की साइड पे? देखो ना जो मेन जू बीच है, देखो अब वहाँ पे से बड़े बड़े से वो लगे हुए कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, उसके पहले इट वाज अ कंपाउंड वहाँ पर वी यूज्ड टू स्टे। यार रमाड़ा है? हाँ आप देखते हो ना बहुत साल से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, तो वो मतलब बहुत ही वॉकिंग था और मेरे पिक्चर्स भी है, मैंने इंस्टा पर शेयर भी किए, मैं अपने नाना नानी नानू और नाना और नानी मुझे रोज सुबह लेके जाते थे जुहू बीच पर और वहीं पर मैंने चलना सीखा, और जुहू बीच इज वेरी वेरी स्पेशल एंड एंटायर जुहू इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट यू नो, एंड पाव भाजी एंड काला खट्टा एंड ऑल ऑफ दीस। तो ये बताओ फिर लखनऊ की जो आपकी लेगेसी है वो कभी घर पे झलकती हुई देखी कि भाई लेगेसी है आपकी, आप यू ऑल आप लोग रॉयल परिवार से हो जी, ये क्या है भाई स्टोरी? तो ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जी, बट माय डैड बिलोंग्स to a royal family of Lucknow. So do you know then, I mean like by the virtue of it. Yeah. अब ऐसे पता है बहुत सारे लोगों को पता चलने लगा और मुझे ऐसे क्वेश्चन करने लगे, बट मैंने ऐसे कभी इस चीज को ऐसे हाईलाइट करके कभी कहीं डाला नहीं है या हवेली हवेली है वहाँ पर ऐसा कभी गई आप देखी है क्या? कभी गई नहीं हूँ, लखनऊ में नहीं है, लखनऊ से कुछ घंटे दूर पर एक जगह है जिसका नाम कुकरा है। ओके, आपने सुना पीलीभीत कुकरा ये सारी चीजें हैं वहाँ पे? हल्का सा सुना, एग्जैक्टली नहीं जानता। तो वहाँ पर एक हवेली है जो अभी अभी कुछ ही टाइम पहले रेनोवेट भी कराई गई है ताकि हम लोग जा सके, बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ जाके फिर रुक नहीं सकते, और वहाँ पर अंदर काफी सारी ऑथेंटिक पुरानी चीजें हैं, और आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। मैं तो रेडी को अक्सर बोलती रहती हूँ प्लीज मुझे कुकरा लेकर चलिए, मुझे भी देखना है, पर कभी लेके नहीं गए वो। बट अब आई फील जब उन्होंने रेनोवेट सब करवाया है सब लोगों ने, चाचा वगैरह डैडी ने, तब एक्साइटिंग, जल्दी जाऊंगी। बिरयानी प्रेमी हो क्या वैसे आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि लखनऊ वर्सेस हैदराबाद होता रहता है काफी। बिरयानी, आई लव बिरयानी, मतलब ऐसे तो बिरयानी तो मैं कहीं की भी खा लूंगी, बिरयानी मुझे आप कभी भी खिला दो और कहीं की भी खिला दो वो मैं खा लूंगी, सिंपल। हाँ no और judgment. मुझे ना ये भी नहीं समझ आता है हैदराबादी फिर वो दम फिर वो ये फिर वो अलग अलग, फिर एक आती है जिसमें राइस अलग होते हैं और मसाला अलग होता है, फिर उसको सब मिला के खाना पड़ता है, ऐसी भी बिरयानी होती है। किधर आते हैं? पता नहीं, मसाला अलग से आता है कुछ अलग देना। हाँ उसका एक थोड़ा अलग सालन सा होता है और उसके बाद राइस होता है, बट मुझे सब पसंद है। ऑडिशन से ही हुआ होगा और ये तब आप दिल मिल गए मैंने तब किया था जब मैं ऑलरेडी ये वाला शो कर रही थी। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया ना चांद की पार चलो, ये वाला शो मेरा ऑनगोइंग था, बट क्योंकि लीड डे था तो ऐसा नहीं था ये रोज शूट करती हूँ, तो उसके साथ ही साथ ऑडिशंस देती थी, तो दिल मिल गए भी मुझे उसके थोड़े बाद मिला, और दिल मिल गए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बिकॉज आई लव जेनिफर विंगेट एंड आई रिमेम्बर अ लॉट ऑफ बिट्स एंड पीसेस के सीन्स ड्यूरिंग माई शूट, काफी अच्छा था। बस मुझे ये याद है कि उसमें मैं एक पेशेंट बनी थी जिसका नाम तमन्ना था, तमन्ना नाम था और मुझे ना ऐसे बहुत डर लगता है, कभी ऐसे भी कोई बोल देता है ना मजाक, मतलब मजाक में भी अच्छा तबीयत खराब है जन्नत नहीं आ सकती है, तो मैं बोलती हूँ मत बोलो,
तबीयत खराब है या वो सही नहीं है या ऐसा हो गया था, मतलब ऐसा बोलते ना, ऐसा कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए आपके साथ। हाँ, क्योंकि पता नहीं आपको कब वो सच हो जाए, तो मुझे डर लगता है ये सब चीजों से, इसलिए मैं कभी तो मजाक भी नहीं करती ना खुद के लिए ना किसी और के लिए ये सारी बुरी बातों में। तो मुझे बस इसी बात का उसमें थोड़ा वो लगता था कि मैं पेशेंट बनती थी, हॉस्पिटल में लेटती थी, ये सारी चीजें, तो मेरे लिए एज अ चाइल्ड ऐसा थोड़ा लगता था कि बाप रे मुझे पेशेंट टाइप फील आता था। बट अदर देन दैट इट वाज अमेजिंग। और वही शो भी कर रही थी, उसके साथ ही साथ मैंने एक दूसरे शो का ऑडिशन दिया था जो अगेन एनडीटीवी इमेजिन के लिए था, काशी अब ना रहे तेरा कागज कोरा, एंड आई वाज प्लेइंग काशी, सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइटल रोल। काशी इज द फुल लाइक ऑथेंटिक लोटन, या मतलब वो था गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर, कि गांव के बच्चों को एजुकेशन नहीं इतना लड़कियों को स्पेशली मिलता है, और वो बहुत छोटी जात बड़ी जात का भी वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करते हैं, उसके ऊपर वो शो था। तो मैं दिल मिल गए कर ही रही थी कि मैं उसके साथ ही साथ इसके लिए भी सिलेक्ट हो गई, फिर मैं दोनों शो नहीं कर सकती थी, फिर दिल मिल गए का मेरा कैरेक्टर एंड हुआ, और फिर उसके बाद आए शिफ्टेड ऑन टू काशी का शूट। पर आप दिनचर्या क्या होती थी आपकी, आप शूट पे जा रही हो फिर सेट पे जा रही हो, सॉरी सेट पे जा रही हो फिर स्कूल जा रही हो, या स्कूल जा रही हो फिर सेट जा रही हो, ऐसा होता था? तो अक्सर एग्जाम के टाइम पे क्या होता था, पहले स्कूल जाती थी, ठीक है, और एग्जाम के टाइम या फिर ऐसे नॉर्मल भी अगर डेज होते थे तो स्कूल से हाफ डे भी निकाल सकते हैं ना, जल्दी भी ले सकते हैं अगर आगे कहीं जाना वाना है तो पहले स्कूल जाती थी और उसके बाद शूट्स पर जाती थी। सेम और इजी पता है कब हो गया, जब मैं प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी में आ गई, क्योंकि फिर सुबह का स्कूल हो गया, तो फिर वो 7 बजे स्टार्ट होता है और उसके बाद 12:45, 12:15 तक के खत्म होता था, लेकिन अगर उसका हाफ डे लेना है तो 10 बजे तक क्या, फिर उसके बाद भी शूट पे जा सकते हो, तो ऐसा करती थी। कौन आता था आपके साथ शूट पे, मम्मी पापा में से? दोनों में से कोई भी आता था। कई बार ऐसा होता था कि सुबह डैडी लेके आते थे जी, और लंच क्योंकि सेट का नहीं प्रेफर करते ऐसे हम लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि रोज कितना इंसान बाहर का खाएगा सेट का खाना, तो मम्मी खाना लेके आती थी। तो फिर ये स्कूल की लाइफ को कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, दोस्तों से बातें जनरल जैसे बाकी लोग कर रहे होंगे, चाइल्डहुड वाली चीजें, वो कभी ऐसा लगा आपको कि आई मे बी मिसिंग आउट ऑन दिस? नहीं, ऐसा कभी भी मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं एज अ पर्सन बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट तो थी ही नहीं। सच्ची? मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था टू मेक फ्रेंड्स, यू नो, कि यू आर नॉट एन एक्सट्रोवर्ट? नो नो नो, रियली आई एम स्टिल नॉट एन एक्सट्रोवर्ट। ओ या, नो, आई एम एन एम्बिवर्ट। तो आप जिसके साथ जम जाती है उसके साथ खुल जाती है, जिसके साथ नहीं तो नहीं। फिर हाँ, मतलब ऐसा मुझे लगता था कि जाके क्या ऐसे बात करना शुरू करो, और क्योंकि रेगुलर नहीं जाती थी तो इतना कोई दोस्त थे भी नहीं कि रोजाना मिल रही हूँ तो ऑटोमेटिकली दोस्ती हो गई। और स्कूल जाती थी और लोग आते थे, हाय यू आर जन्नत, कैन आई बी योर फ्रेंड, ये कौन सी दोस्ती होती है, हाय यू आर जन्नत, आई वांट टू बी योर फ्रेंड। आई डोंट नो हाउ डिड आवर टाइम पीपल और योर टाइम पीपल मेक फ्रेंड्स? यू आर द फुल जेन जी आल्सो, नो, लाइक 2001 बॉर्न। या, बट आई डोंट नो इफ आई एम जेन like Gen Z in the other sense or no, in like the mind sense of things, yeah, क्योंकि अभी मैं कहीं थी और वहाँ पे एक रील बना रहे थे कि वो कुछ Gen Z slangs बोलेंगे और आपको बताने क्या है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था मुझे नहीं पता होगा, मुझे कोई ऐसा लिख के भी भेज देता है ना तो जाके गूगल करती हूँ इसका क्या मतलब, फुल फॉर्म क्या है इसका, ये भी पूछा, ड्रिप इज दैट लुकिंग नाइस समथिंग लाइक दैट, नो, हां वो अभी पता चला मुझे, ये था नो कैप, एंड नो कैप इज नॉट नो कैप, इट्स लाइक नो कैप इज कुछ तो बोला, वो भूल भी गई मैं। हाँ। बस मुझे उसमें से एक ही पता था, FR पूछा, तो मैंने बोला हाँ फॉर रियल, जो भी किसी ने मुझे लिख के भेजा था, एंड आई हैड टू आस्क इसका मतलब क्या है। सो आई थिंक वो थोड़े सेंसेस में थोड़ा कम जेन जी हूं मैं, पर इट्स ओके, चलेगा। हाँ, okay. क्या जरूरत है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं जीती मैं। हाँ, नहीं ठीक है, पूरा लिखती हूं कोई, हाँ अपन है जैसे अपन है वैसे रहने का क्या फर्क पड़ता है। तो फिर द सैलाब वाला सीरियल जो है आपका, वो इसके बाद होता है ना, लाइक द बिग ब्रेक, आई थिंक। हाँ, फुलवा, दिस वाज अमेजिंग, लाइक my entire experience with Fulwa was too good, like aaj bhi isko kitne 11-12 saal ho gaye par aaj bhi log mujhe bolte hain Fulwa ho na, so it feels so nice ki itna impactful aapne kaam kiya hai, ya wo pura hi project itna impactful tha ki saalon saal logon ne logon par, you know, ek jagah bana di hai, kahin na kahin aap bhi thodi si aisi, you took off from that character also na, you yeah. you seem like थोड़ा बहुत आप ले जाते हो कैरेक्टर का जो आपको अच्छी लगी चीजें। बिल्कुल, पता है मैंने फुलवा के बहुत सारे कपड़े जो मैं शूट में पहनती थी वो भी मैंने ले लिए थे। अच्छा, या जस्ट फॉर मेमोरीज। कितना लंबा था शेड्यूल? मेरा बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने जितने शो करे ना बचपन में सब लीप हो जाते थे ना। हाँ। तो मैं तो बच्चों वाला वर्जन होती थी, तो आज तक की सिर्फ एक ही ऐसा शो हुआ है जो कि मैंने 2018 में किया था एज एन अडल्ट, उसमें मैं चाइल्ड एक्टर नहीं थी, जिसमें लीप नहीं हुआ तो फट गया था और वो बंद हुआ शो।
वरना उसके पहले मैंने जितने शो किए सब लीव हुए हैं. तो फुलवा वाज आई थिंक व्हाट 8-9 months, इतना ही था, बहुत बड़ा लंबा नहीं था. शिट, फिर लीव हो गया था. सही है, ये तो होता ही है ना टीवी में भाई. हाँ. पर मेरा इतना दिल दुखता था, मुझे इतनी याद आती थी सबकी. हाँ, हाँ, जब मुझे पता लगता था लीव होने वाला है तो मेरा बहुत ऐसा दिल टूट जाता था कि यार अब कोई और आ जाएगा. सही बात है यार, आप टिकटॉक पे नंबर वन हो गई थी, फिर वो बंद हुआ. जी आपके लिए ही है, वो बंद हो गया फिर. हाँ. That must have felt like a punch in the gut, no? It did not, surprisingly. What? Really? नहीं. क्या था following count तब? I think 28 or 29 million. जी. And I was the first Indian to hit 10 million. Yes. On TikTok. But पता नहीं क्यों सब लोगों को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लगेगा. और अगर मैं भी होती सामने वाली और किसी के साथ ऐसा होता जो कि ऑलरेडी इज डूइंग सो वेल ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं भी यही सोचती कि ऑब्वियसली झटका लगेगा. बट आई वाज जस्ट ओके विद इट, आई वाज लाइक फाइन, ठीक है. पता नहीं क्यों, मतलब वो थोड़ा वियर्ड है और ऐसा शायद लग सकता है कि बस ऐसा बोलने को मैं बोल रही हूँ, झटका तो लगा होगा. बट सच में ऐसा है, क्योंकि मुझे पता है लोग काफ़ी हद तक कि यही समझेंगे झूठ बोल रही है, झटका तो लगा होगा, हमें पता है ऐसी बस बना रही हो अभी चला गया तो ऐसा बोल रही है. बट सच में ऐसा नहीं है, तो नहीं लगा था. I can't even believe, I can't imagine it only कि मैं आपको बोलूं कि मुझे कैसा लगता. But यार बहुत टाइम लगता है बिल्ड करते हो अपनी ऑडियंस. सही बात है, बट हुआ क्या ना, अगर प्लेटफॉर्म होता और मेरी आईडी चली जाती तो बहुत झटका लगता शायद कि भाई मेरे साथ भी ऐसा, बहुत 15 दिन 20 दिन रोती रहती. बट सबका गया. तो सबका गया, तो अभी गया ना, अभी क्या कर सकते, किसी के पास नहीं है, मेरा अकेले का थोड़ी गया. तो वो जब थोड़ी उस पे बात आ गई ना कि इधर है किसी के पास नहीं है, मेरा अकेला थोड़ी गया है, तो then I was like fine. सब पूरा क्लास ही फेल हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा. हां तो आई थिंक वो थॉट की वजह से आई वाज जस्ट ओके विद इट. सही है यार. अभी आप कॉलेज में हो ऐसे, कोई प्राइवेट कॉलेज, कौन सा कॉलेज है? नहीं, मैंने अपना 10th प्राइवेटली दिया है, मैंने अपना 12th प्राइवेटली दिया है, बट अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है. ठीक है. हाँ जी, तो अभी आई थिंक एक दो साल और मैं ब्रेक लेकर अपना फाइनल. क्या पढ़ाई कर रही थी वैसे जब कर रही थी? मैंने आर्ट्स. ठीक है. मम्मी ने भी आर्ट्स किया था और मैंने पहले ऑनेस्टली बताऊं तो यही पूछा था कि सबसे इजी क्या है. हाँ. क्या आप किस में कर सकते हो? तो मम्मी ने बोला आर्ट्स. मैंने कहा फिर आर्ट्स. जब स्कूल में थी तब कैसी थी पढ़ाकू टाइप्स? ठीक थी, मतलब कभी ऐसे बहुत बिलो एवरेज या एवरेज नहीं रही. hmm. और कभी ऐसे स्कॉलर नहीं रही, मतलब अच्छे मार्क्स से पास हो जाती. ऐसा कभी हुआ क्या कि फायदा हो रहा है कि आप भाई क्योंकि एक्टिंग करती हो तो फिर स्कूल में भी एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्टिंग या ड्रामा या डांस? एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा, एक्स्ट्रा देने के लिए जाना पड़ेगा ना स्कूल, दिखाना पड़ेगा आप कितने अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट हो. हाँ. वो सब करने का टाइम ही नहीं मिलता था, तो एक्स्ट्रा मार्क्स किस चीज के देंगे, गुड बिहेवियर के, इसके उसके उसके लिए बच्चा आना तो चाहिए. अग्रीड, हाईली अग्रीड. तो जितने भी मुझे मार्क्स मिले हैं वो सिर्फ जितना अच्छे से लिखकर और ओरल्स और ये सब में आई हूँ उसके लिए ही मिले हैं. एक्स्ट्रा डिस्टिंक्शन ये सब नहीं था. ठीक है, ये भी सही है. फिर गाना, आप क्या ऐसे बाथरूम सिंगर होती थी कि जो आपने मतलब फिर यू थॉट दैट यू साउंड बेटर देन जस्ट द बाथरूम? नहीं, एक्चुअली बाथरूम सिंगर तो मैं नहीं हूँ ना, थी. ऐसे घर में ही नॉर्मली नहीं हम गाते हैं, हम करते हैं. आप लोग सब ऐसे हैं क्या? हाँ नहीं, मैं तो हूँ, डैडी भी है. ठीक है. बस मैं, डैडी भी ऐसे कभी कभी गा देते हैं, लेकिन मैं ऐसे कभी गा रही होंगी, रेडी भी सही करी, तुम्हारी आवाज अच्छी है, यू साउंड स्वीट. थैंक यू. मुझे क्या पता था कि वो उसके लेके भी कुछ सोच रहे हैं. सो वन फाइन डे इज लाइक आई थिंक गाना गाना चाहिए तुमको, और मैं तो बहुत ही शाय सिंगर हूँ. हाँ. मुझे शर्म आती है गाना गाने में, ऑनेस्टली. तो मैं बोला गाना गाना चाहिए, बट फिर उन्होंने गाना वाना रेडी करवा दिया. जो मेरा पहला सिंगल था उसका नाम था इश्क फर्जी. जी. हमने उसका शूट किया था दुबई में. हाँ. और आप बिलीव नहीं करोगे, वो रिकॉर्डिंग के टाइम पर वो स्टूडियो से मुझे इतना नर्वसनेस हो रहा था वहाँ जाके कि मैंने सिर्फ 2 से 3 बार मैं स्टूडियो गई हूँ ऐसा गाना गाने के लिए, जस्ट टू गेट कम्फर्टेबल विद द माइक एंड द एम्बियंस ऑफ द स्टूडियो, और उसके बाद जाके मैंने अपना रिकॉर्डिंग किया है. और अभी भी मतलब मैं इतनी ज्यादा. बट फिर आप कर गए, एक बार चालू हुआ तो फिर देन यू आर ओके विद इट? या वो एक बार क्या होता है, क्योंकि जो सामने वाले होते हैं जो वहाँ पर बैठे होते हैं स्टूडियो में, वो इतने लोगों का रिकॉर्डिंग करते हैं, इतने बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, उन्हें पता है क्या करना है, तो ना वो डर लगा रहता है कि यार मैं उतना अच्छा तो नहीं कर पाऊंगी, शायद मेरे सुर गलत जाएंगे. तो वो थोड़ा एक शाय वाला भी फील रहता है कि यार कॉन्शियस बहुत रहता है इंसान. करेक्ट. वो एक बार वो खुल जाता है ना तो उसके बाद लगता है हाँ ठीक है अब तो हो गया. और फिर वो गला वाला वार्म अप भी हो जाता है जब आप 15-20 मिनट गाते हो. कुछ किया आप वोकल ट्रेनिंग वगैरह टू बी बेटर एट सिंगिंग? जी जी. आफ्टर दैट यू देन वेंट टू वोकल ट्रेनिंग? मैंने 2016 में
एक शो कर रही थी मेरी आवाज ही पहचान है जी, उसके लिए भी क्लासिकल सिंगिंग ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद भी मैंने उसको कंटिन्यू किया था और बीच में फिर छोड़ दिया था काफी साल। जब ये गाने का आया कि हमें गाना भी करना है, तो जो भी गाना मैं करती हूँ उसके पहले मैं उसको एक हफ्ता 10 दिन जब तक कि ठीक नहीं, प्रॉपर सुर नहीं हो जाता तब तक के ट्रेन होती हूँ और फिर रिकॉर्ड करती हूँ। कुडोस। क्या था ये इश्क अर्जी, याद है क्या, सुनाओ थोड़ा सा, सारे सुनवाओ। वो था कि ऐसा था, जाना है तो जा, है तेरी मर्जी, मान लूंगी था तेरा इश्क फर्जी। और जो दूसरा गाना था ना वो भी थोड़ा इसी जोन में था, लेकिन इश्क फर्जी क्या था, थोड़ा सा सैड, रोती हुई लड़की गा रही है कि मुझे छोड़ के चला गया। बट जो दूसरा था बाबू सोना मोना, वो ऐसा नहीं था, वो थोड़ा ऐसा सावेज था, विच इज लाइक, चल हट झूठे बातें बंद कर और ना मुझको बना, याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तनहा हो हो के, जब सुनेगा ना कोई तेरा बाबू सोना मोना, फिर किसको सुनाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा। सो वो थोड़ा ओवर द इयर्स, वो बिचारी थोड़ा बिचारी और इमोशनल से थोड़ा सावेज हो गई। वाह वाह वाह। और ये जो लेटेस्ट है वो अरब पॉप है? यस, इट्स एन अरबिक पॉप। यस, इसका हुक भी अरबिक ही है। जी, कैफ हलुका। फिर से बताइए मेरे को, आई वांट टू प्रोनाउंस इट राइट। कैफ हलुका। कैफ हलुका, या क्या मतलब हुआ? हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, कैफ हलुका, कैफ हलुका, कैफ हलुका, मरहबा, कैफ हलुका, मरहबा, नाइस। या दुबई बड़ा जाती रहती हो आप? क्यों, मजा आता है हर थोड़े दिन में वो? और बात क्या है ना, इतना यहाँ से जैसा लगता है, यहाँ से जितनी देर दिल्ली जाती हूँ उतना टाइम लगता है ना फ्लाइट का, उससे आधा घंटा पौन घंटा एक्स्ट्रा करके दुबई पहुँच जाती हूँ। बहुत बढ़िया, तो इजी ट्रैवलिंग है बहुत। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आज हमने दुबई जर्नी लॉन्च किया है, हम दुबई में भी कर सकते हैं। मैं उस तरफ बैठूंगा, आप इस तरफ बैठिए, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये वाला गाना सुना सकती हो क्या हमको? हाँ सुना तो सकती हूँ, बताओ फिर कुछ सुनाओ। दीवाना जिसका जमाना, जिसकी आंखें पैमाना, उसको है अपना बनाना, जिसने लूटा मेरा दिल। दीवाना जिसका जमाना, जिसकी आंखें पैमाना, उसको है अपना बनाना, जिसने लूटा मेरा दिल। मरहबा मरहबा, कैफा हलुका, मरहबा मरहबा मरहबा, कैफा हलुका, मरहबा। वाह 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 वाह, कूल स्टफ यार, गुड स्टफ, एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू। फॉलो कर रहेगा? नहीं नहीं, कोई अच्छा। कोई था जो ऐसा लगा मेरे को हमें कुछ बोलना चाह रहा है? अच्छा। आपके साथ होता है क्या ऐसा, कोई फॉलो कर रहा होता है आपको? हाँ, होता है कई बार, होता है। शिट, दैट मस्ट बी स्केरी, नो? इट इज, और स्पेशली जो बाइक पर होते हैं, आप किधर से भी निकाल लो, कहीं भी छुप जाओ, कहीं से भी दे शो अप अगेन, ऐसा वीडियो चल रहा होता है, चल रहा होता है, समटाइम्स इट्स लाइक देखिए आप लोग ऐसा करते हैं तो पहली एक दो बार हमें हेलो, हाँ ये थे, ये जो मारते ले लो भाई, हाँ यही थे, नीचे करूँ जी? कर सकते हो आप, थैंक यू। हटना पड़ेगा भाई, जा रहे हैं, सिग्नल सिग्नल लगेगी आपको, हट जाओ, थैंक यू। बट यस, दैट कट 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 कट, दैट वाज प्रोबेबली आवर मैन ओवर हियर। तो आप लोगों को जो सुनाई ना दिया हो, हमारे पीछे तब से सिग्नल से निकलते कट 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 हो रही थी, तो ये लोग थे, और ये एक्टिवा वाले जो सज्जन और महिला है वो पहचान चुकी है, उनको हेलो कर दो। ये वाली क्यूट लगती है, ये क्यूट है, हाय हेलो कर देते हैं, ठीक है, इनको मैं सामने से भी बोल सकती हूँ आप पिक्चर ले लो मेरे साथ। हाँ ले लो, सही बात है। बट आप जब ऐसे बाइक से फॉलो करते हो तो आप किसी को डरा भी रहे हो उनकी एक तरीके से, प्राइवेसी इनवेड कर रहे हो। बाइक इतनी रैश चलाते हैं ना, कभी ऐसे कभी ऐसे, कि अपने को लगता है भाई संभालो, तो ना वो काफी सारे डर मिक्स हो जाते हैं उन सब चीजों में। नहीं आप सही बोली। हाँ। तो आप ये रियलाइज करते हो कि आप पब्लिक फिगर हो और आपके ऐसे अभी 46.5 मिलियन फॉलोइंग है, शाहरुख खान से ज्यादा फॉलोइंग है तुम्हारी, स्टिल नो कंपैरिजन, मतलब 4.5 करोड़ लोग हैं वो। कितने तो है। मतलब एक स्टेडियम नहीं, करीब कितने स्टेडियम भरेंगे तो लोग उतने भरते हुए आपको दिखेंगे, हाउ डज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फील? फर्स्टली तो मतलब आज भी कई 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 बार अनबिलीवेबल सा फील होता है जब कोई ऐसे आपके जैसे इलाबरेट करके बताता है ना कि इतने नहीं इतने होंगे तो तब वो बनेंगे, तो अभी मैं इमेजिन कर रही थी कि हाँ यार, मतलब इतने सारे लोग बने होंगे तो वो सब मुझे फॉलो करते हैं। Yes. I think it's just
I don't know what to say honestly. I'm just grateful and I think I'm a blessed child. क्योंकि मुझे लगता है कि there are so many people out there जो इतना amazing काम कर रहे हैं social media पर ही, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोज ये डाल रहे हैं, variation में अपने experiments कर रहे हैं, videos डाल रहे हैं. क्या edit कर रहे हैं आजकल लोग? क्या edit कर रहे हैं? और मतलब उसका कोई दायरा भी नहीं है कि यहाँ के लोग ये कर रहे हैं, मुंबई वाले कर रहे हैं, दिल्ली. I think हर जगह से, मतलब छोटी से छोटी जगह में बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कि मुझे लगता है कि मुझे जो मिला है वो तो बहुत ज्यादा मिला है, यू नो. बट इट्स जस्ट, आई रियली फील आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड. और लोग जितना प्यार करते हैं, जितना सपोर्ट देते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ. मतलब ये कोई ऐसे कहने की बात तो है ही नहीं, बट सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ. थैंक यू फॉर एवरीबॉडी. And thank you, you also, यार तुमने भी बड़ी मेहनत की है. हाँ जी, वो तो करी है. तो मुंबई की बारिश की बातें कुछ, कोई है आपकी मेमोरीज बारिश की? हाँ, बारिश की बहुत ज्यादा मेमोरीज नहीं है, बारिश की सिर्फ शूट रिलेटेड मेमोरीज हैं. अच्छा जी. क्योंकि जब शो करती थी तो बहुत सारे एक्सटीरियर शूट्स और एक्सटीरियर सीन्स प्लान्ड होते थे. अब वो पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड करते हैं. बारिश हो गई तो शूट बंद, शूट बंद तो सब सेट पर चिल कर रहे हैं फिर, क्योंकि आप शूट तो कर ही नहीं सकते, बारिश रुकने का वेट करोगे. और फिर उस मौसम में, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट होती है, इतने सारे लोग होते हैं, तो कितनी बार तो मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा दिन वेस्ट होता है, काम नहीं होता है. लेकिन मैं तो प्रे करती थी कि एक्सटीरियर सीन हो और बारिश हो जाए और फिर हम लोग रुक जाए शूट और फिर हम सब बैठ के मजे करेंगे. तो ये मैं बहुत ज्यादा विश करती थी कि प्लीज ऐसा हो जाए, ताकि हम लोग चिल करें, मस्ती करें, मजाक करें. सही. और फिर वो माहौल भी बहुत अलग होता है ना, बारिश हो रही है, मौसम अलग लग रहा है, मजा आ रही है, पकौड़े मंगवाओ, खाओ, इतने सारे लोग हैं. सो या, बट आई एम वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ थंडर. बिजली से बहुत डर लगता है मुझे. बिजली कड़कती है ना तो बाप रे, मेरे पूरे घर के कर्टन्स वगैरह बंद हो जाते हैं. ऐसा लगता है पूरे आसमान में फ्लैश लाइट आ गई. मुझे बहुत डर लगता है. एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, मुझे फ्लाइट से भी बहुत डर लगता है. हाँ, क्या? हाँ, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ फ्लाइट्स. ओह वाओ. तो ये बताओ यार, हिचकी की थी आपने फिर फिल्म्स में, वाज दैट लाइक, दैट वाजंट योर फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस पर से, और वाज इट? या नो, इट वाजंट माय फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस. वाज आई डिड दिस फिल्म आगा द वार्निंग जी. उसके बाद आई डिड लव का दी एंड, व्हिच वाज श्रद्धा कपूर्स डेब्यू फिल्म. यस, आई प्लेड अ यंगर सिस्टर, हां, मिंटी. एंड उसके बहुत बाद मैंने ये करी है, हिचकी की है. एंड हिचकी वाज इन 2016. यस, रिसेंटली 16. हां, 16 इज ऑन रीसेंट बाय द वे. या लाइक 7 इयर्स इज रीसेंट ओनली. रियली? या लाइक, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ रीसेंट? अगर 7 साल पीछे देखोगे तो अभी मैं दिख रहा हूं, मतलब एक छोटी बेबी होंगी उधर. हां, दैट्स आल्सो लाइक दैट, लाइक दैट यू आर 14 वर्सेस नाउ यू आर 21. हां, ठीक है, फेयर एनाफ. बट लाइक फर्स्ट फिल्म, were you ever fascinated कि मैं मुझे फिल्म करनी है, और वो फिल्म के सेट पे जैसे आगा में आपको कुछ अलग लगा या कुछ एक्सपीरियंस लगा? बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि फिल्म कर रही थी और वो एक हॉरर फिल्म थी, और उसमें ऐसा था कि मैं पजेस हो जाती हूँ, भूत आ जाता है. तो मेरा जो ऑडिशन भी हुआ था वो भी मतलब ऐसे हुआ था कि बहुत हैवी एक्टिंग लगी थी उसमें मुझे. बहुत, मतलब आवाज भी जो मैं एक्ट करके बोलती थी, तो वो भी एकदम अलग निकाल के बोलनी पड़ती थी. काफी सारा हार्नेस, बिकॉज वो उड़ उड़ जाती है, ये वो हो जाता है, तो काफी कुछ. दिस वाज बिफोर फुलवा. ओह वाओ, दिस वाज लाइक, आई विल शो यू अ पिक्चर फ्रॉम अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ आगा, सो यू विल नो हाउ. वाओ डूड, ये लुक लाइक अ स्मॉल बेबी. ये आगा का पोस्टर है, दिखा दो इनको भी, ब्राइटनेस बढ़ाओ. तो मैं बहुत छोटी थी इसमें जी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और उससे ज्यादा कुछ समझने के लिए बहुत ज्यादा छोटी थी. हाँ. कि मैं ये समझूं कि मैं शो करती थी, अब मैं फिल्म कर रही हूँ, इसमें ये अलग है, इसमें वो अलग है. तो मैं बस एंजॉय कर रही थी अपना काम. मस्त है. डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट पेचेक कितना मिला था पर डे? नो यार, आई वुडंट रिमेम्बर, एंड आई हैव नेवर आस्क्ड आल्सो. आई कैन आस्क माय डैड कि क्या था, बट मुझे तो नहीं याद. इंटरेस्टिंग. और ये जो अफवाह उड़ती रहती है कि भाई एक इंस्टाग्राम पोस्ट का इतना लेती हो, और ये सब वो सब क्या बातें होती है? कोई कभी तो पढ़ा था मैंने, कोई एक आर्टिकल आया था. हाँ. कि दीज आर हाउ मच टॉप इन्फ्लुएंसर चार्ज. सच में? हाँ. नहीं यार, मैंने भी ऐसे बहुत सारे देखे हैं, बट वो करेक्ट नहीं है. नहीं है क्या? नो. हाँ.
पता नहीं कहाँ से निकालते हैं अपना वो। वैसे तो आपने YouTube पर भी देखा होगा ना, इनका हाउस और कुछ बड़ा सा बंगला लगा हुआ निकला हुआ है, खोल के देखो वीडियो तो पता चलता है फिर क्या होता है। मेरे लिए भी काफी वो ऐसे बड़े बड़े बंगले और ये सब और उनका कार कलेक्शन और ये और नहीं है ना। क्या क्या अफवाहें सुनी है जो आपको बहुत फैसिनेट करती है? बहुत बहुत सारी ये सब तो होती है कि उनको पता है कि मैंने कौन से एपिसोड का कितना चार्ज किया है, मैंने कौन से ब्रांड के लिए कितना पैसा लिया है। फिर बता रहा है आपको ये सब क्या? हाँ आपको नहीं, किसने बता? पूछ रहा हूं। कई बार मेरे को भी ऐसा लगता है अच्छा मैंने इतना लिया क्या, अच्छा, मुझे नहीं पता था, आपको पता है, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। इंटरेस्टिंग दैट यू से इट एट दिस टाइम। यहां दिलीप जोशी साहब रहते जो जेठालाल भाई है वो उनके साथ भी हमारी यही बात हो रही थी कि उनके पास अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू ऑडियंसेस ऑडी क्यू है, पता नहीं कौन सी ऑडी है, पता नहीं कौन सा बंगला है, स्विमिंग पूल वाला बंगला है। बोलते किधर है भाई, मेरे को दिखा, मैं रहूंगा जाके। सच में बट आई थिंक वो सब बेचारे व्यूज के लिए कर देते हैं तो ठीक है। बट काफी सारी है यार, बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने ऐसा लिप इंजेक्शन लिया है मेरे लिप्स को फुलर दिखाने के लिए, प्लम करने के लिए। ओके ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे, आई जस्ट सॉरी आई लुक्ड एट योर लिप्स टू जस्ट लाइक बी लाइक क्यों ऐसा बोल रही है पब्लिक। हां बट ठीक है, एग्री मेरे होंठ काफी ऐसे फुलर से हैं बट ऐसा मैंने कुछ ऑब्वियसली नहीं किया हुआ है। फिर ऐसा एक बहुत ही हिलेरियस है जो मैंने बहुत बार बोला है, जब काशी फुलवा करती थी तो गांव की बनती थी तो मुझे ना वो काला करते थे, मतलब प्रॉपर हाथ वाथ भी टैन करते थे। लेकिन उसके बाद जब मैं ऑब्वियसली बड़ी हुई तो मेरा कॉम्प्लेक्शन या जो भी अभी जैसा है वैसा है, तो ऐसे मुझे बहुत कमेंट्स आए कि मैंने गोरा होने के लिए भी इंजेक्शन लिए। अच्छा गोरा होने के इंजेक्शन मिलते हैं क्या? ऐसा नहीं, क्या होते भाई इंजेक्शन किधर आते हैं? मेरे को चाहिए, आई डोंट नो, गोरा होने के इंजेक्शन मेरे को चाहिए, मतलब देखने के लिए मेरे को चाहिए और लगाने के लिए। हाँ, नहीं, हाँ. Like, क्या बात है, ये अच्छी है भाई ऐसी। और फिर इवेंचुअली जब डार्क तो मुझे ऐसा करते थे क्योंकि वैसे दिखाते थे कि मतलब धूप में खेलते रहते हैं बच्चे, और वो सच में होता है क्योंकि मैंने भी जब थोड़ा टाइम शो किया और मैं बाहर रहती थी तो मेरा भी थोड़ा टोन थोड़ा सा डाउन हो ही गया था ऑटोमेटिकली, आई एम श्योर। तो अभी प्रेशर होता है क्या परफॉर्मेंस का या किसी काम का? किस चीज का प्रेशर लेती हो जब लेती हो तो? हर चीज का, क्योंकि मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है, प्रेशर में काम अच्छा होता है। नहीं जल्दी हो जाता है, मतलब मैं डेडलाइन से पास आते समय प्रोजेक्ट जल्दी फास्ट फास्ट आगे बढ़ता है। अगर हम कोई भी चीज को ऐसे लाइटली लेंगे ना कि हाँ ठीक है कर लेंगे, एमओ प्रो हो जाएगा नहीं होगा, तो ना वो चीज उतना अच्छे से नहीं होती जितना आप थोड़ा अगर प्रेशर लेते हो या थोड़ा नर्वस रहते हो ना उस चीज को लेके, आई थिंक तब वो ज्यादा अच्छी होती है। हाँ ये भी बात सही है। हाँ और एस्पिरेशंस क्या है भाई अभी, मतलब क्या करना चाह रही हो कि ऐसे टाइप का काम, ये टाइप की चीज? आई थिंक बहुत कुछ, बताओ क्या क्या आराम से। अभी सिंगिंग किया, अभी एक्टिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, तो एक्टिंग तो कंटिन्यू करना ही है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू बिजनेस। यू नो आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल strong business woman. Yeah. So I want to achieve a lot in that area also, and not just with one business, you know, I want to have multiple businesses of mine. So I think that is something. But kya karna chahogi, matlab what ideas if you've had any? Kafi sare ideas aaye the. I am not pehle humne socha tha ki hum ek beauty cosmetics brand nikalenge. But this idea popped up back in 2019. फिर काफी कुछ काम भी हो गया था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से काफी सारा काम स्लो हो गया और फिर इवेंचुअली हाँ उसके बाद क्योंकि इतना टाइम हो गया था सब करके, देन इट वाज लाइक वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। फिर उसके बाद लगा कि फैशन करना चाहिए जी, जो अभी भी लगता है मुझे। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ओन अ रेस्टोरेंट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ कैफे। सो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करनी है अभी अकम्प्लिश। तो अब अगर मुझे अभी भी कोई बोलता है ना कि अरे अभी तो आपने इतना कर लिया है अब क्या तो मस्त है, तो मेरे को लगता है अरे क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो मतलब बहुत है, अभी तो पार्टी शुरू अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये बताओ यार खतरों के खिलाड़ी कितना कठिन होता है? कठिन होता है लेकिन बहुत मजा आता है, और मतलब जितना अपने बारे में आपको जानने मिलेगा, अपने कैपेबिलिटीज के बारे में जानने मिलेगा, और जो चीजें करने मिलेंगी आपको वहां पर वो आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। मतलब अच्छा। आप किसी को कितना पैसा दे दो, थोड़ी आपको गाड़ी में बैठ के ब्लास्ट कराएगा। You know what I mean? Shit, that must have been like mad scary. तो वो सारी चीजें आपको वही शो में करने को मिलेंगी, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई डिड वेल ऑल्सो, सो आई एम वेरी हैप्पी। यू केम लाइक फोर्थ और समथिंग, नो? या आई वाज फोर्थ। Wow, dude, congratulations. That's like, जिधर हाथ डालते हो उधर आप कुछ हीरा निकाल के लाते हो। Touch wood. Yes, 100%.
बट द स्टंट्स आर रियल, एवरीथिंग इज रियल, देयर इज नो स्क्रिप्ट. अरे बाप रे, मैंने ना एक क्रोकोडाइल स्टंट किया था जिस पे मेरे ही कोई जानने वाले थे, आस्क्ड मी वो असली क्रोकोडाइल थे क्या, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब क्या बात करते हो यार, वीएफएक्स कर सकते हैं इतना अच्छा, मतलब कैसा, क्या आपको लगता है वो रिमोट वाले क्रोकोडाइल रखे होंगे उन्होंने. तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि असली नहीं होता है, करंट असली में देते हैं क्या, एक्टिंग होता है, स्क्रिप्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. मैं आपको बताती हूँ, हम लोग जब स्टंट करने भी जाते हैं तो ये भी नहीं पता होता है कि ये स्टंट करने कौन वाला है. ये भी हमें उसी टाइम रोहित सर बोलते हैं, पहले स्टंट एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद बोलेंगे ये स्टंट ये और ये करने वाले. सो देयर इज नो प्रेप, देयर इज नथिंग. नो, यू नो, आपको पता ही नहीं है कि कल आप क्या करने वाले हो. आप पानी, ठंडे पानी में आप चॉपर से कूदने वाले हो या फिर आप अपनी आग में ब्लास्ट होने वाले हो या क्या करने वाले हो, यू डोंट नो. फक मैन, दैट्स बट इट्स ऑल रियल, ऑल रियल. श्योर यार, बट क्या रियलिटी शोज में फिर ऐसा इंटरेस्ट होता है क्या कि भाई ये करके देखना है, कभी यही करना था. हाँ, बस खतरों के खिलाड़ी ही करना था, क्योंकि मुझे लगता है यही ऐसा है जिसको, मतलब आप इसी में कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते. बाकी मुझे ऐसे कुछ इतने अलग नहीं लगते. हाँ, यही एक स्टंट बेस्ड, मतलब मुझे तो वापस से बनाएंगे, वापस चली जाऊंगी. सही है यार, नीट है. यू श्योर यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल, बिकॉज़ स्कूल का रास्ता देखो, दिस इज द टोटल जर्नी टाइम 58 आई थिंक. फिल्म सिटी इज बेटर बिकॉज़ वी गेट टू सी एक्स्ट्रा. यस, आई मीन उधर से स्कूल दिखेगा और यहाँ पर मैं आपको अपने 3-4 सेट्स दिखाऊंगी और अपने तेंदुए वाली स्टोरीज भी बताऊंगी. डन, ठीक है. तेंदुआ आते हैं ना फिल्म सिटी में, तो आपके साथ आया? शूट्स में मेरे कई शूट्स पर आया है पूरा सेट तेंदुआ. हाँ, और फिल्म सिटी तालाब है, पता है? तो एक बार हम लोग तालाब के ये साइड शूट कर रहे थे और सामने तेंदुआ पानी पी रहा था, ऐसे देख के. मैं रात का शूट था. Shit. और वो है ना फिल्म सिटी में हाथी गेट. हाँ, हाथी गेट वहाँ पे तो बहुत रिस्की, देखो वहाँ पर गेट पे भी लिखा हुआ है यहाँ पर. हाँ, हमने वहाँ पर भी रात में शूट किया. एक बार हम नीचे शूट कर रहे थे रोड पे और वहाँ पर ऐसा थोड़ा वॉक करके एक ऊपर थोड़ा एरिया है, तो वहां पर लाइटिंग कर गई थी और बीबी वगैरह और लाइट्स लगाई हुई थी, तो तेंदुए ने गिरा भी दी थी नीचे लाइट्स और हम नीचे शूट कर रहे हैं. Are you somebody जो महावीर नगर की स्ट्रीट फूड पे ट्रिप करती थी? So my, तो ऐसे स्कूल टाइम पे तो नहीं करती थी. हाँ. क्योंकि वो तो स्कूल में कैंटीन होती थी, तो वहीं का फ्रैंकी, नूडल फ्रैंकी, मसाला फ्रैंकी, वड़ा पाव एंड ऑल चलता वाँ, था वाँ. लेकिन माय क्लोजेस्ट, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, शी स्टेज देयर इन कांदिवली, नॉट इन कांदिवली, ठाकुर विलेज में रहती है वो. तो उसके साथ मैं अक्सर जाती हूँ, तो वहाँ पर तो मतलब ऐसा लगता है उन्होंने अपना ही अलग शहर बसाया हुआ है. हर एक चीज है, और खाने का तो आप कुछ भी लो, हर चीज वहाँ पर मिलती है. तो हम वहाँ पर अक्सर पिरी पिरी मोमोज खाने जाते हैं एंड काफी सारी चीजें वहाँ पर खाते हैं. बट देसी पिज्जा भी, तवा पिज्जा भी मिलता है उधर. मैंने ऐसा बहुत कुछ ऐसे फूड में मैं ना एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, जो चीजें मुझे पसंद होती है ना वही खाती हूँ मैं. जैसे कि क्या क्या है ये? जैसे कि अगर आपको मैं स्ट्रीट फूड का बताऊँ, आई लव पानी पूरी, आई लव वड़ा पाव, समोसा पाव, पाव भाजी एंड फालूदा मुझे बहुत पसंद है, और वो देसी चौमिन चाइनीज टाइप की चीजें बहुत पसंद है, मुंबई सैंडविच. सो काफी सारे, मतलब ऑलमोस्ट जो नॉर्मल, मतलब सारा जो अभी दिख रहा है मैं यहाँ पर आगे मिलता हुआ वो सब है. पसंद है मुझे. वाह वाह वाह. हैव यू हैड राम और शाम की पानी पूरी इधर जो खार वाली है? नो. भाई बहुत एपिक है. रियली? हाँ, बट आर यू लाइक द आलू वाली पर्सन और छोला वाला पर्सन? छोला वाला और थोड़ा गरम या सादा? गरम गरम हो तो अच्छा है, मतलब अदरवाइज चलता है. थैंक्स. या और वो जो पूरी भी देते हैं ना वो रवा वाली नहीं पसंद है? नहीं, ओजी ओजी. हाँ, और वो तो जो स्प्राउट्स डाल के बनाते हैं ना उनको, भाई प्लीज आप चले जाओ, हाई क्लास हो गया ना, चले जाओ, बहुत हाई क्लास हो गया भाई, इज्जत से दो ना भाई आपको. थोड़ा उसके बाजू में कांदा भी लेते हैं कई पब्लिक. हाँ, वो भी, वो ठीक है, सेव भी लेते हैं, कांदा भी लेते हैं, वो तो एंड वाली में ना, सूखा पूड़ी में. हाँ, नहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी जिसमें कांदा डालते हैं, मैंने देखा है उस पे भी सेव डाल के खाते हैं. बट अब तो कितने कुछ तरीके के पानी पूरी, आइसक्रीम वगैरह भी आ गई, अब तो क्या क्या. हाउ यू लाइक योर पानी पूरी? इज योर पानी पूरी, नॉट माय पानी पूरी. माय पानी पूरी इज माय पानी पूरी, नॉट ऑफ योर पानी पूरी. सिंपल. या मुंबई के कोई फेवरेट स्लैंग, एनी फेवरेट वर्ड्स दैट यू लाइक? आई थिंक आपको पता है आज भी मेरे घर में कोई आता है ना, हां जी, और मुझे मेरे घर में बात करता देखता है या मेरे घर वालों को बात करता देखता है. हाँ. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, मुंबई से नहीं हो ना? नहीं हो. हाँ, नहीं. हाँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ लखनऊ से. हाँ. डैडी है, तो उस हिसाब से ही बात होती है. तो आज भी वो अडॉप्ट हमने नहीं किया यहाँ का बिल्कुल भी, बट लाइक आई एम श्योर यू मस्ट लाइक सम वर्ड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और थिंग्स जो यहीं पे होती हैं.
कि अरे क्या बोल रहा भाई ऐसे जिस तरीके से हाँ, बात मतलब मुझे ये आई मीन आई लव उसको स्ट्रीट पॉप बोलते हैं ना ये सब जो रैप वगैरह जो भी होता है जी लाइक एमवे का रैप एंड ऑल ऑफ दिस आई लव टू लिसन टू ऑल ऑफ दीस थिंग्स तो उसमें जितना भी जिस तरह से बंटा है क्या बोलते पब्लिक ऑल ऑफ दीस थिंग्स आई लाइक आई एंजॉय इट इट्स नाइस इट्स फन इट इज इट्स फन करेक्ट बट इन दोस देयर आर नो फेवरेट वर्ड्स ऑफ योर्स दैट यू हैव नो आई डोंट हैव एनी फेवरेट्स बट आई लाइक हाउ इट साउंड्स it sounds quite fun that's true yeah and you know it's also very difficult to for me to say it agar mujhe aap bologi bhi na ye uske bol ke dikhaoga to mere mein na wo I feel hi nahi aayega jaisa wo log mein feel aata hai itna naturally bolte but fir koi favorite gaali wali nahi deti hain aapko matlab favorite gaali nahi hai aapki koi nahi you don't abuse at all I don't abuse no wow no I don't abuse when I was researching I was looking at the there are fan pages of yours so yeah. I will name them There is Jannat, my shining girl. Oh. There are so many fan pages of yours. There's a full screen recording I have done. I know. So हम लोग आगे जब signal पे रुकेंगे मैं दिखाता हूँ आपको कि while there are those haters, there are massive fan clubs. कहीं एक आदत तो नहीं चलाती. नहीं नहीं नहीं. मतलब इतना ज़्यादा already है कि मतलब मुझे चलाने की ज़रूरत ही ज़रूरत ही नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. It's legit in the morning. I was like, what is happening? Look at that. This will just go on. Yeah. All That's of these. Good. So yay, we are entering. Yeah, yeah, yeah. Mumbai Film City. Yeah. ये इनको school नहीं जाना था, इनको Film City आना था, क्योंकि clearly you can see what excites her and what school there is the Film City. Right था आपका studio left था. Left. चलो left. मतलब Yeah. And then right where there is this Film City ka canteen. Correct. I love that canteen. I love that canteen. Simple, somber. Samosa aur chai. Yaar, aapko pata hai yahan pe? Haan, bolo, aap bolo. Samosa. Aap jo leke chalte hain tin ka dabba mein na. Haan, tin ka dabba mein. With the chutney. Mirchi. Idhar seedha. Badi yummy. Nahi, seedha chaliye. Haan. Kahan tha aapka set? Batao, koi kahaniyan hain to? Haan, to ye Film City ka set tha. Pehle hum log Aamgaon mein shoot karte the. Ji. और उसके कुछ महीनों के बाद हम आमगांव से शिफ्ट होकर फिल्म सिटी में इसका सेट क्रिएट हुआ ठीक है और ये काफी ह्यूज सेट था एंड आल्सो बिकॉज़ इट वाज अ हिस्टोरिकल शो सो इट वाज मेड अप वेरी वेल प्रॉपर फोर्ट सा बनाया हुआ था और बड़ी गर्मी रहती थी यहाँ पर एंड आई रिमेम्बर इतनी गर्मी में हम वो हैवी लहंगास हैवी ज्वेलरी और ये सब पहनकर शुद्ध हिंदी बोलकर धूप के नीचे सीन करते थे व्हिच वाज सो मच फन एंड आई टर्नड 13 हियर ऑन दिस सेट या हाउ मेनी बर्थडेज हैव यू सेलिब्रेटेड ऑन सेट जी शूट अब मेरा शो बंद करने के पहले ऑलमोस्ट एवरी बर्थडे मतलब 9-10 साल से जो शुरू हुआ होगा हां आई थिंक उसके बाद से माय 17th बर्थडे तक उधर के देख लेते चलो अगर सिंस शूट कर ही रहे तो एक मिनट लगा लेते हैं पर कैसा लगा मजा आया मुझे मजा आया गुड फन इट इज मैंने इसे देखे हुए हैं प्रॉपर इंटरव्यूज नहीं देखे लोगों की गाड़ी में बट अच्छा है यार फन है पकता नहीं है अरे अपने को ऐसा कोई फॉर्मेट करना ही नहीं था जिसमें आप लोग को पके हम लोग को पके ऑडियंसेस को पके आपका भाई एक्चुअली में जो रील वाला कैरेक्टर है वही बंदा है जो आपके खाने खा लेता है एकदम हाँ गया एक ही बात एक ये बात है जिसमें मैं सबसे ज्यादा पिस्ड ऑफ होती हूँ मेरा खाना को लेके वही पजेसिव ओके मतलब अपना खाना मंगाओ और खाओ सही बात अगर मैंने अपना मंगाया और मैंने आधा खाया और आधा फ्रिज में रखा तो वो इसलिए रखा क्योंकि मुझे बाद में खाने बहुत सही बात तो फिर अगर मैं फ्रिज खोलती हूँ और मुझे वो नहीं दिखता है और आंटी को पूछने से आंटी कहाँ है मेरा खाना और अगर वो बोलती है यार ने खा लिया तो बस फिर मुझे बहुत गुस्सा तो बवाल हाँ मतलब अभी मैं रिसेंटली बताती हूँ क्या हुआ पिछले हफ्ते हमने रात में फालूदा मंगाया हाँ क्या मंगाया फालूदा ठीक है तो वो क्योंकि घर पे मंगाया ना तो आइसक्रीम उसकी जो कुल्फी थी वो पिघल गई थी हाँ तो उसने स्मार्टली बड़े अपना तो खत्म कर लिया और मुझे बोलता है अभी इसकी तो कुल्फी पिघल गई मैंने कहा हाँ यार अच्छा भी नहीं लग रहा इस वजह से बोलता है फ्रीजर में डाल दी सुबह पीजिएगा क्या मतलब ऐसा पी रही है मैंने कहा हाँ सही है डाल दो सुबह मैं निकली काम से
और उसके बाद मैं नानी के यहाँ गई और मैंने मम्मी को बोला, अरे मेरा फालूदा रखा है, मुझे पीना है, अब तो अच्छा हो गया होगा, फ्रीजर में रखा था कल रात को. एंड मम्मा इज लाइक, अयान को पूछ लो एक बार. मैंने अयान को बोला, मैंने कहा अयान सुनो, तुमने मेरा फालूदा तो नहीं पिया ना, आप बाहर चली गई थी, मैंने पी लिया. सच में, मतलब मैंने एक रात पहले उसको रखा फ्रीजर में कि मैं कल पीऊंगी. हाँ. और वो कल ठंडा हो जाएगा, बढ़िया एकदम. सही बात है यार, ये तो मतलब आप ये और आप उसके ख्वाब देख के सोई होंगी. सच में भाई लोग का ना बहुत बहुत ही होता है. सच में यार. Are you religious or spiritual? Yes, I'm religious. Yeah. So like नमाज पढ़ती हूँ. उसका बहुत बड़ा reason है that I said that I don't want a tattoo. हाँ वही तो, इसीलिए मैंने immediately next चीज वो पूछी. Yeah. क्योंकि मुझे पता है क्या क्या चीजें हराम में आती हैं. अच्छा. हाँ, मैं हैदराबाद में पला बढ़ा ना, तो सारे क्लोजेस्ट मेरे मित्र मुसलमान थे. अच्छा. हाँ, अभी भी हैं. हाँ. मैं बहुत केयरफुली, मैं खुद ही हलाल रेस्टोरेंट में जाता हूँ अपने. मतलब सच में मैं पहले तो मतलब नेल्स भी सब बहुत कम, मैंने अपना नेल एक्सटेंशन कराया, मैं खुद ही नाखून बढ़ा के नेल पेंट लगाती थी जी. बट अब नेल्स भी नहीं बढ़ाती और नेल पेंट भी नहीं लगाती, बिकॉज़ फिर वजू में दिक्कत होती है ना. करेक्ट. वजू नहीं होता तो अब तो खुद के नेल्स ही नहीं बढ़ा रही ना, नेल पॉलिश. क्या बात है. बट आपका जो मैंने सबसे पहले गाना सुना था, जो मेरे को लगा अरे वाह जन्नत गाती भी है, वाज दैट वन रिलीजियस ट्रैक दैट यू हैड इन रमजान और रहमतुल्लिल आलमीन. यस यस, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड इट. ओह वाओ, ऐसा कुछ. ओह रियली, एंड देन यू नेल्ड इट. वेरी गुड यार. या गुड स्टफ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी. जन्नत, आप लोग को अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना, बताना कौन सा आपका फेवरेट पार्ट है, और अगर दुबई में करना है तो कमेंट में बताओ. 1000 कमेंट्स एंड वी विल डू दिस ऑन मैशेबल मिडिल ईस्ट. हां, मैशेबल मिडिल ईस्ट को भी सब्सक्राइब कर लो. बाय गाइस. बाय. गाने का नाम बताओ. कैफ हलूका. कैफ हलूका जाके सुनिए, ठीक है.